हम बोल रहे हैं, बार बार वही बोल रहे हैं तो भी नहीं सुन रहे हैं जी। हर एक फ्रॉड है, फ्रॉड है। 25 साल तो हमारे साथ रहे और अभी उनको फ्रॉड लग रहा है तो निकालो। हम भी कहते हैं निकालो। लोगों को महाराष्ट्र में और मुंबई में अस्थिर करने का काम बीजेपी कर रही है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज आप दिशा शालियान की फैमिली से भी मिले। आपने पहले भी कहा है आप मेयर के साथ साथ एक माँ भी हैं, दुख भी समझती हैं। क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई आज? दिशा शालियान के माँ बाप के साथ जब उन्होंने मुझे खुद बुलाया, जब ही मैं गई तो वो बहुत ही दुखी है। उनका कहना है जब ही वो पार्टी हुई थी, उनके खुद के बच्चे जो उनके दिशा के साथ बड़े हुए, उनके साथ पार्टी हुई थी। एक वन वीक वो बहुत ही डिस्टर्ब थी, उनका कुछ बिजनेस डील नहीं हुआ था, वो डिस्टर्ब थी। वो बहुत ही सेंसिटिव थी, वो बहुत ही एनिमल के लिए बहुत ही काम करती थी। और उनको अभी लग रहा है कि ऐसा बात 2 साल के बाद भी, 6वें विच्छेदन का मैं पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है, बाकी दूसरा भी एक रिपोर्ट आया, तो भी बार बार हमारे लड़की का नाम लेके उसके ऊपर ये हुआ है उसके ऊपर, तो हमें दुख हो रहा है। अभी हमें सहन नहीं हो रहा है ये सब, हमें बहुत ही दुख और डर भी लग रहा है। ये सब पॉलिटिशियन ने ये बंद करना चाहिए। आपका जो पॉलिटिक्स है वो आपको लक लाभ, लेकिन हमारे साथ, हम मध्यम वर्गीय है, हमारे साथ ऐसा मत करो, ऐसा उनका हम्बल रिक्वेस्ट। स्टेट वुमेन कमीशन को भी लिखा है मैम, उनसे क्या दिया है? दिया है, दिया है। कैमरे पे आ लीजिए प्लीज। स्टेट वुमेन कमीशन को भी आपने खत लिखा है मैम, उनसे आप क्या मांग कर रही हैं? हमने यही कहा है कि जो लड़की गुजर चुकी है उसके चरित्र पर अभी सवाल उठा उठा के बदनाम करना बंद करो। जो संविधान है, जो कायदे कानून है, उसको मान के हम चलेंगे। आखिरी सवाल है मैडम, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि इस तरीके की जो ये राजनीति है ना, जिसमें एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। लोगों के डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में बार बार वही बोल रहे हैं तो भी नहीं सुन रहे जी। हर एक फ्रॉड है, फ्रॉड है। 25 साल तो हमारे साथ रहे और अभी उनको फ्रॉड लग रहा है तो निकालो। हम भी कहते हैं निकालो। हमने कभी नहीं कहा कि ऐसा मत करो, निकालो। लेकिन लोगों को महाराष्ट्र में और मुंबई में अस्थिर करने का काम बीजेपी कर रही है। एक ऐसी महिला जो इस दुनिया में नहीं है, उसका कैरेक्टर ऐसे नहीं। अरे आपको लगता है उनको लगना चाहिए ना, उनके घर में भी माँ बेटी है ना, तो हर एक बेटी का, हर एक माँ का सम्मान करो। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।